1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। वित्त विभाग ने कर्ज संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। 500 करोड़ रुपए के दो कर्ज ले रही है सरकार, कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए हो गए। एक कर्ज 15 वर्ष और दूसरा कर्ज जो है वो 10 वर्ष की अवधि का होगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, 4 जुलाई को कर्ज संबंधी औपचारिकताएं पूरी होंगी, 5 जुलाई को सरकार के खाते में धनराशि आ जाएगी। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिमला से, हमारे ब्यौरे ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, हिमाचल सरकार अब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, प्रदीप किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जब भी सैलरी देनी हो कर्मचारियों को, या उनके पेंशन से जुड़ा विषय हो, या जो कर्ज लिया गया है उसके ब्याज अदायगी का भी कई बार इस मसले आते हैं, तो फिर कर्ज लिया जाता है। और इस बार एक बार फिर से कर्ज जो है वो लिया जा रहा है, और ये 1000 करोड़ का है। दो ये 500 करोड़ के कर्ज है, जिसमें एक दीर्घ अवधि के लिए लिया जा रहा है, एक कम अवधि के लिए लिया जा रहा है, यानी 15 वर्ष और 10 वर्ष के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पर अब आने वाले दिनों में सियासत फिर गरमाएगी, कि एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ है, लेकिन अब खुद भी कर्ज लिया जा रहा है, और पहले भी इसी तरह का क्रम चलता रहा, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो उसमें भी हर बार यही होता था कि कर्ज लेने का जो प्रोसेस है वो रुका नहीं है। लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो ये कर्ज लिया जा रहा है कि किस काम पर खर्च किया जाएगा। क्या ये केवल वेतन भत्ते या जो पेंशन देने के लिए ही खर्च किया जाएगा, या फिर ये एक ऐसे प्रोजेक्टिव काम पर खर्च होगा जिसे आने वाले समय में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और वो प्रदेश के लिए फायदे की स्थिति बने। फिलहाल अधिसूचना जारी हो चुकी है, 4 जुलाई को कर संबंधी जो सारी औपचारिकता है रिजर्व बैंक की जो मुंबई शाखा है उसके जरिए पूरी की जाएगी, और 5 जुलाई को हिमाचल सरकार के खाते में ये पैसा आना है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया था। ऐसे में बीजेपी ने निशाना साधा कि कांग्रेस ने सरकार में आते ही कर्ज ले लिया। कांग्रेस ये कहती नजर आई कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप छोड़कर गए थे विरासत में हमारे लिए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से 2 बार कर्ज लिया जा चुका है प्रदीप, ऐसे में किस तरीके से हिमाचल का कर्जा उतरेगा? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के लिए यही एक बड़ी चुनौती बनी है। हालांकि तो हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक कंज्यूमर स्टेट के तौर पर, यानी उपभोक्ता राज्य के तौर पर देखा जाता है, जहां की अपने रिसोर्सेज आय के कम है और केंद्र की योजनाओं पर, केंद्र पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है या कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। बाकी जो फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, ईडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के ब्रिक्स हैं, इन बैंकों से भी जो है पैसा यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है वो काफी डामाडोल है, 75,000 करोड़ से ज्यादा जो है कर्ज वो प्रदेश के ऊपर चढ़ चुका है। 92,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज जो है इस वक्त यहाँ प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती बनी हुई है। और इस कर्ज को कैसे उतारा जाए, ये कर्ज कम हो, ये जो है इस पर काम करने की जरूरत है। और संभवतः सियासतदानों को भी अब इसी दिशा में सोचना होगा कि जो कर्ज लिया जा रहा है ऐसा ना हो कि वो केवल सैलरी पेंशन तक देने के लिए ही खत्म हो जाए, बल्कि उससे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में खड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप इस समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। जयराम जी, हिमाचल सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लिया गया है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरफ वो कहते हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो आप छोड़कर गए थे, लेकिन अब लगातार कर्ज लिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये हिमाचल के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जब सरकार 6 महीने के कार्यकाल में 8,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रही है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा कि हम 2 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिए थे। ठीक है, और यहाँ 6 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार कांग्रेस की जो हाल ही में बनी है सुक्खू जी के नेतृत्व में, व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हुए ले रही है। तो और जो गति है लोन लेने की, स्वाभाविक रूप से ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एक संकट होगा प्रदेश में आर्थिक रूप से जो दिख रहा है। और जो लंबा भाषण देते रहे हम लोगों के खिलाफ के ऋण लिया
तो हमने इनको कहा था, हमने सलाह दी थी कि भाई अगर हमने ऋण लिया है तो आप मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में कोई जवाब इनके पास नहीं है, ठीक है। प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार की है, ऋण लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ना पहले था ना अब है। और ऐसे में जो इन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से 4 साल में ऐसा कर देंगे कि प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, जी पूरे देश का सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा आर्थिक तौर पर, और वो हालात मुझे दिखते नहीं है। दिखते क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता है इस प्रकार से जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। जयराम जी, जब आप सरकार में थे उस समय सरकार की तरफ से कर्ज उस समय भी लिया गया था, आप समझते हैं कि मजबूरी हो जाती है कि सरकार की हिमाचल प्रदेश में ऋण लेना, क्योंकि सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आय के इतने स्रोत है नहीं, पर्यटक को छोड़ के अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो आय के स्रोत बेहद क्षीण मात्र बचते हैं। आप समझते हैं कि सरकार की मजबूरी हो जाती है, क्या कांग्रेस सरकार की मजबूरी है कर्ज लेने से? उनको समझना होगा कि 93 के बाद जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब बनी थी 93 के बाद जी, और 93 से 98 तक के उस दौर में सबसे खराब जो स्थिति पैदा की गई आर्थिक रूप से, उस वक्त संभाला जा सकता था, लेकिन अब संभलने की स्थिति उस तरह की नहीं रही है। जब मुझे हिमाचल प्रदेश मिला 2017 में तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण था, ठीक है, और 50,000 करोड़ रुपए के ऋण में से जो ऋण की किस्तें अदा करनी और ऋण की किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की किस्तें अदा करनी, वो सारी चीज के लिए ऋण लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास की कि एकदम हम 4 महीने या 6 महीने में 1 साल के अंदर आर्थिक स्थिति ऐसी पैदा कर ऐसी कर दे कि जिसके कारण प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। हमने बहुत देश के बदनामी ग्रामीण जो इकोनॉमिस्ट हैं उन सब लोगों से चर्चा करके इस विषय में चर्चा की कि क्या रास्ता हो सकता है। प्रदेश के अधिकारियों से हमने एक बार नहीं अनेकों बार बहुत गहन चर्चा की, चिंतन किया सारे विषय में, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। और अल्टीमेटली हमने लिमिट जो हमारी थी उस वक्त की, उस लिमिट से कम लोन लिया, ठीक है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, जितना हमारी लिमिट थी हम ले सकते थे, और यहाँ तो लिमिट बढ़ाई जा रही है, ठीक है, और लिमिट बढ़ा करके 6% पहुंचा दी हमने, बिल्कुल। चलिए जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि क्या स्थिति इस समय प्रदेश की सरकार को लेकर, आपका प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वित्त विभाग ने कर्ज संबंधी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। अब 500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज जो है वो हिमाचल सरकार लेने जा रही है, खबरें अभी तक। पर कर्ज के मुद्दे पर बोले हैं जयराम ठाकुर, कहा कर्ज के मामले में सरकार जो है वो ऋण ले रही है, ऐसे में 2 ऋण जो है वो सरकार की तरफ से लिए जाएंगे 500 करोड़ रुपए के। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हमारे लगातार हमारे साथ शिमला से बने हुए हैं। ऐसे में प्रदीप, देखिए जयराम ठाकुर भी ये कहते नजर आए कि कोई और चारा नहीं है सरकार के पास ऋण लेने के अलावा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आय के स्रोत ही नाम मात्र केवल है। तो खबरें अभी तक पर कर्ज के मुद्दे पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा कि आय के स्रोत केवल नाम मात्र हैं। तो प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष, वो कहते नजर आए कि हिमाचल प्रदेश में लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है, ऐसे में और कोई चारा बचता नहीं है कर्ज लेने के सिवा। बिल्कुल, देखिए हिमाचल की अगर बात की जाए तो छोटा प्रदेश है और भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की विषम है, और कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसका फ्लो भी यहाँ पर ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो आय के साधन प्रदेश में है वो टूरिज्म है, बागवानी है, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर बॉर्डर एरिया में और कुछ जगह पर लगी है, ये 4 आय के मुख्य साधन है। इसके अलावा यहाँ पर आय के कोई साधन नहीं है, और बाकी एक्सपेंशन भी, अगर इंडस्ट्रीज की एक्सपेंशन की भी बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि वन भूमि प्रदेश में ज्यादा है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का विषय रहते हैं, और ये भी एक जो है पेचीदगियां यहाँ पर बहुत सारी है। बागवानी की अगर बात करें तो उस दिशा में काम करने के लिए पैसे।